की नजरों में एक उभरता देश है। पिछले कुछ सालों में भारत के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया बदल चुकी है। जो लोग हमें बेकार, गरीब और बेवकूफ मानते थे, वही लोग आज हमें इज्जत भरी नजरों से देखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में आना चाहती हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में निवेश करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या किया भारत ने जो पिछले कुछ सालों में वे इतना बड़ा बन गया? तो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत हमेशा से ही ऐसा ही था, पर आज बदलाव लोगों के नजरिए में आया है। आज मैं रहस्य भाई आपको भारत के कुछ ऐसे अचीवमेंट्स और इन्वेंशंस के बारे में बताने वाला जो आपने कभी सुने ही नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, क्या आपको पता है कि कैलेंडर का इन्वेंशन इंडिया में किया गया था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कैलेंडर पूरी दुनिया में भारत में बना था और उसके कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने अपना कैलेंडर बनाया था, जिसमें उन्होंने हमारे महीनों के नाम भी इंग्लिश कैलेंडर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को हमारे ही कैलेंडर के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने से चुराया था। ये असल में सितंबर, अष्टम्बर, नवंबर, दिसंबर। क्यों, चौंक गए ना? तो हाँ दोस्तों, ये सच है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल मार्च से शुरू होता है और उस हिसाब से 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने यही पढ़ते हैं। क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा? तो आप चाहे तो अपने घर पर रखे हिंदी कैलेंडर यानी पंचांग में देख सकते हैं, जिसमें पूर्णिमा और अमावस्या लिखी होती है। उसमें आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो साल चल रहा है वो 2018 नहीं बल्कि 2074 है, जो मार्च के बाद 2075 हो जाएगा। यानी हिंदी कैलेंडर पहले बना और फिर लोगों ने उसे चुरा कर अपना नया कैलेंडर बना दिया, और हम लोगों ने हर बार की तरह वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में अपना ओरिजिनल कैलेंडर छोड़ दिया और चोरी करके बनाए गए कैलेंडर को इस्तेमाल करने लग गए। सिर्फ यही नहीं, ऐसी और कई चौंकाने वाली बातें अभी बाकी है। क्या आपको पता है कि जब नासा ने सूरज पर प्रयोग किया तब उन्हें यह पता चला कि सूरज की आवाज ओम है? जी हाँ दोस्तों, जो हम सदियों से बोलते आ रहे हैं वो आज जाके नासा ने पता लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि रहस्य भाई, सूरज की आवाज कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम जानते हैं कि आवाज वाइब्रेशंस के कारण होती है, वैसे ही जब नासा ने अपना डिवाइस जब सूरज की ओर किया और उसकी वाइब्रेशंस उस डिवाइस पर पड़ी, तो उस डिवाइस ने जो वाइब्रेशंस डिटेक्ट करी यानी कि जो आवाज डिटेक्ट करी वो काफी ओम जैसी थी। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देखते हुए आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि नासा के एक और ऐसे प्रोजेक्ट को भारत के पुराण ने चुनौती दी? जी हाँ, नासा ने कुछ समय पहले पृथ्वी से सूरज तक के डिस्टेंस का पता लगाया, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा कई सैकड़ों सालों से पढ़ी जा रही है, उसमें सूरज तक का डिस्टेंस लिखा होना एक बहुत बड़ी बात है। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानी लीलियो ताही मधुर भर जान, जिसका मतलब है युग सहस्त्र योजन की दूरी पर सूरज है और हनुमान जी ने उसे एक मीठा फल समझ लिया, जिसमें युग सहस्त्र योजन जो है वो सूरज तक की दूरी है, जिसमें एक युग मतलब 12,000 साल, एक सहस्त्र मतलब 1,000 साल, एक योजन मतलब 8 मील। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 9,60,00,000 मील, और एक माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये बनता है। और वही नासा के मुताबिक ये देखो ये बनता है। अगर हम दोनों डिस्टेंस को देखें तो ये दोनों लगभग सेम है। अब ये सोचना तो बहुत मुश्किल है कि आखिर इतने साल पहले ये बात हनुमान चालीसा में कैसे लिखी हुई थी। भारत सच में महान है। भारत तो महान है ही, बल्कि भारत की परंपराएं भी बहुत महान है, जिनमें से एक है सूरज को जल चढ़ाना। हम सारी पूजाओं को बिना सोचे समझे कर देते, और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पूर्वजों ने सारी चीजें एक साइंटिफिक रीजन को नजर में रखते हुए करी है। अगर हम सुबह सुबह सूरज को जल चढ़ाते हैं तो इससे सूरज की किरणें पानी से निकलते हुए हमारे शरीर में जाती है और सबसे ज्यादा हमारे दिल पे जाती है, और जल चढ़ाते हुए मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे शरीर में वाइब्रेशंस आती है। इन वाइब्रेशंस के कारण सूरज से आने वाली एनर्जी हमारे पूरे शरीर में जाती है, जिस कारण से शरीर के सारे रोग मिटते हैं और हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते। बीमार से याद आया कि दुनिया में सबसे पहला ऑपरेशन भी इंडिया में ही हुआ था। जैसे कि माना जाता है कि आयुर्वेद दुनिया का सबसे पहला मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसी ट्रीटमेंट की वजह से सबसे पहला ऑपरेशन भारत में ही हुआ था। ये ऑपरेशन एक 83 साल के बुजुर्ग आदमी का हुआ था, लेकिन आज हम सब अपने आयुर्वेद को छोड़ के मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट को ज्यादा तवज्जो देते हैं।
जिस कारण से आयुर्वेद भारत का होने के बावजूद उसके कई मेडिसिन के पेटेंट दूसरे देशों के पास है, जिसमें की सबसे ज्यादा चाइना के पास है, और भारत दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहली सर्जरी करने वाला भी हमारा भारतीय ही है, जिनका नाम था महर्षि सुश्रुत सनिता। और महर्षि सुश्रुत की कई सर्जरी टेक्निक्स हमारे इतिहास की किताबों में भी मिली। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला एरोप्लेन भी भारत में ही बनाया गया। ऐसे कई और साइंटिस्ट हमारे भारत में भी थे, लेकिन आज के समय में हमारे पास उनकी लिखी हुई किताबें बची ही नहीं। काफी किताबें तो जल गई, और कुछ जो बची हैं वो संस्कृत में है, जिसे बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं, जिस कारण से उसकी रीच यानी कि पहुंच कम लोगों तक ही सीमित रह गई। तो हमारी ये वीडियो को बनाने का पूरा मकसद यही था कि हम भारतीय अपनी इम्पोर्टेंस को समझें और वेस्टर्न कल्चर की ओर ना बढ़े, नहीं तो ये होगा आयुर्वेद आयुर्वेदा बन जाएगा और योग योगा बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारे देश के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली। तो अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम।